A very good morning, class 10th. So let's study our future indefinite tense. आज हम अपनी बात करेंगे अपने future indefinite tense या जिसको हम कहते हैं future simple. Future का मतलब आपको पता ही है, जो काम भविष्य में होने वाला है उसको हम future कहते हैं. तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन तो यही है कि जिस काम को हम भविष्य में करने वाले हैं या जिस काम को हम भविष्य में करेंगे वो होता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस. इसकी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. एग्जांपल आई शैल डू माय प्रेयर्स इन द मॉर्निंग. अब आप ये देखिए कि विल शैल जो है बेसिकली हम देखें अगर संडेज की बात करते हैं तो शैल का यूज़ हम प्लूरल्स के साथ करते हैं, यानी कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है जैसे कि आई वी यू दे तो इनके साथ, और विल का यूज़ हम ही शी इट के साथ करते हैं. लेकिन इन टुडेज कहना चाहिए कि आज हम आज की इंग्लिश में हम अब विल का ही यूज़ ज़्यादातर करते हैं, हम शैल का यूज़ करते ही नहीं हैं. तो अगर आप आई के साथ शैल या विल दोनों में से जो भी आप यूज़ करें आई वी यू दे के साथ वो दोनों ही आपके करेक्ट माने जाएंगे, वो रॉन्ग नहीं होंगे. तो एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी मॉर्निंग में प्रेयर्स करूँगा या करूँगी. अब है सेकेंड जिस जो है नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. ये इसका स्ट्रक्चर है. एग्जाम्पल यू विल नॉट गो फॉर वॉक टमोरो. ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा था कि हम यू के साथ विल का भी यूज़ कर सकते हैं और शैल का यूज़ भी कर सकते हैं. ये आपकी इच्छा है, कुछ भी आप यूज़ करें, बट जो वर्ब है वो तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आपको यूज़ करनी है. तुम कल वॉक के लिए नहीं जाओगे. अब है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक. इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और फिर इसके आगे क्वेश्चन मार्क. और जो दूसरा होगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, वरना आप कैसे पता चलेगा कि जो हमारा सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है या नहीं. लाइक एग्जाम्पल देखिए, वैन विल यू गो टू योर वर्क. डब्ल्यू एच वर्ड से जैसे हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल सब्जेक्ट आ गया, यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, गो और टू योर वर्क ही हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. और अगर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें तो ये हो जाएगा विल ही गिव मी हिज बुक. क्या वह मुझे अपनी किताब देगा. सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया विल, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गिव और मी हिज बुक हो गया उसका ऑब्जेक्ट. अब है इंटरनेगेटिव यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें हम नो या नॉट का यूज़ भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम प्रश्नवाचक का चिन्ह भी हम आगे लगा रहे हैं. तो जैसे इसका एक स्ट्रक्चर होगा शैल नॉट विल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल नॉट विल नॉट शैल नॉट या वोंट जो है ना वोंट इसका मतलब होता है विल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. लाइक एग्जाम्पल Won't you come to the party tomorrow? Won't मतलब will not. तो ये हो गया हमारा helping verb से शुरू हो गया, subject हो गया you, come हो गई verb की first form and to the party tomorrow हो गया हमारा time. क्या तुम कल party में नहीं आ रहे हो. Next example है कि why the girls not sing for the party? कि girls party के लिए क्यों नहीं गा रही हैं, क्यों नहीं गाएंगे, मतलब वाई द गर्ल्स विल नॉट सिंग फॉर पार्टी. कि गर्ल्स यहाँ पर जो है मैं गर्ल्स के बाद विल लगाना भूल गई, यहाँ पर गर्ल्स के बाद सॉरी जो ये सेंटेंस है वर्स होगा वाई फिर हो जाएगा विल नॉट वाई वोंट ऐसे सेंटेंस बन जाएगा जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड्स होगा. वाई वोंट द गर्ल्स नॉट सिंग फॉर द पार्टी, गर्ल्स पार्टी के लिए क्यों नहीं गाएंगी. अब है आइडेंटिफाइंग वर्ब्स एडवर्ब्स इन फ्यूचर टेंस. समझिए कि हमारी फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जो उनको पहचान करवाती हैं, वो कौन सी हैं, सून देन नेक्स्ट वीक मंथ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर इस तरह से इन टू डेज थ्री डेज फोर डेज फिर टुमारो द डे आफ्टर टुमारो दिस मंथ दिस ईयर इवेंचुअली हाउ लॉन्ग एट्सेट्रा. अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूज़ देख लेते हैं क्या क्या होते हैं. When speaking about a simple one-time action in the future, जब हम एक सीधी सी बात को एक ही भविष्य में किए जाने वाले काम के लिए
एक ही बार में जो क्या काम किया जाना है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूँगा। सेकेंड है वेन स्पीकिंग अबाउट रेगुलरली अक्रिंग रिपीटिटिव एक्शंस इन द फ्यूचर, जब हम बार बार होने वाले कामों के लिए हम बात करते हैं फ्यूचर में, मतलब भविष्य में होने वाले जो काम बार बार हो रहे हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी विल टेक इंग्लिश लेसन ट्वाइस अ वीक, और ट्वाइस अ वीक क्या शो करता है, ये रिपीटिशन शो कर रहा है कि वो सप्ताह में दो बार इंग्लिश के लेसन्स लेगी। थर्ड है वैन स्पीकिंग अबाउट सिंपल फैक्ट्स इन द फ्यूचर, जब हम साधारण तथ्यों की फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इट विल बी कोल्ड इन दिसंबर, अभी एक सिंपल सा सेंटेंस है कि दिसंबर में ठंड पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम एक फ्यूचर की बात बता रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, इट विल बी कोल्ड इन समर। फोर्थ है वैन स्पीकिंग अबाउट डिसीजन्स विच आर मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब हम उन डिसीजन्स की बात करते हैं जिसको हम लेंगे, विच आर मेड एट द मोमेंट, मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय जो हमने डिसीजन्स लिए हैं उसको भी हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस से शो करते हैं। जैसे यू नो आई विल टेक टू ऑफ देम, तुम्हें पता है मैं उनमें से दो लूँगा या लूँगी। तो ये देखा यू नो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, लेकिन हमने जो बात करी वो किसके लिए करी, हमने डिसीजन जो लिया वो आने वाले समय के लिए लिया, इसीलिए हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया। फिफ्थ है वेन स्पीकिंग अबाउट ए सीरीज ऑफ एक्शन इन ए फ्यूचर, जब हम एक लगातार होने वाले कामों को के लिए जब हम फ्यूचर में बात करते हैं, भविष्य में लगातार होने वाले कामों की जब हम बात करते हैं तो भी हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे शी विल गो टू लंडन विजिट ऑल द म्यूजियम्स एंड गो टू बकिंगम पैलेस। अब आप देख रहे हैं हमने सिर्फ विल का एक ही बार यूज़ किया है, आगे जब हमने विल का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने आगे कॉमा लगा लगा कर हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया कि वो लंदन जाएगी, फिर वहाँ पर म्यूजियम्स देखेगी और फिर उसके बाद बकिंगम पैलेस जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे जो सीरीज़ में जो काम चल रहे हैं इसको भी हम फ्यूचर टेंस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स और जो इसका लास्ट यूज़ है वो ये है व्हेन एक्सप्रेसिंग प्रिडिक्शन बिगिंस विद आई थिंक और आई होप, जब हम किसी भी भविष्य मतलब कहना चाहिए कि प्रिडिक्शन को या घोषणा को जब हम आई थिंक या आई होप से शुरू करते हैं तो भी हम कहना चाहिए कि फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक, मैंने कहा आई थिंक आई होप से शुरू करना है, आई थिंक इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि आज बारिश होगी। तो ये हो गए इसके यूजेस। नाउ लेट्स रीड एक्सरसाइज, इसके एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है वी डैश आर हाउस नेक्स्ट वीक, अब इसमें आ रहा है नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह जो हमें फ्यूचर को शो कर रहा है, तो इसलिए आ जाएगा विल पेंट, वी विल पेंट आर हाउस नेक्स्ट वीक, हम अगले सप्ताह अपना घर पेंट करेंगे। सेकेंड शी डैश हर फ्रेंड एट द वीकेंड, सी यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा विल सी, क्योंकि वीकेंड है, एट द वीकेंड मतलब जो सप्ताह जो ख़त्म होगा इसलिए वो अगले सप्ताह मतलब वीकेंड पर अपने फ्रेंड से मिलेगी। वी डैश माउंट आबू दिस समर, अब यहाँ पर क्या आ रहा है दिस समर, इस समर में, तो इसका मतलब फ्यूचर टेंस हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा विल विजिट, हम इस समर इन गर्मियों में माउंट आबू जाएंगे। प्लेन डैश इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मीन्स आधे घंटे में क्या होगा, प्लेन लैंड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विल लैंड। फिफ्थ है शी विल गिव अनदर कंसर्ट दिस ईयर, अब वापस यहाँ पे देखो दिस ईयर आ रहा है, वर्ब दे रखी आपको गिव, तो यहाँ पे हो जाएगा विल गिव कि वो इस साल दूसरा कंसर्ट देगी। फिर आ जाता है सिक्स द पुलिस डैश वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर समझ में आई गया, ये तो फ्यूचर दे रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी कि पुलिस आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। सेवेंथ है दे डैश टू रन एज सून एज द विसिल ब्लोज, जैसे ही विसिल बजी उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया होगा, मतलब यहाँ पर ये देख रहा है एज सून एज जो है ना वो क्या शो करता है हमारा कि मतलब आने वाले समय को शो करता है, और तो जब आने वाले समय का मतलब हो गया फ्यूचर, तो हो गया विल स्टार। अब हमारा है एट सेंटेंस, आई थिंक इट विल रेन बिफोर इट गेट स्टार, कि मुझे लगता है कि बारिश होने कि क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा इससे पहले ही बारिश हो जाएगी, कि अंधेरा होते होते बारिश हो जाएगी, बिफोर मतलब आ गया तो इसका मतलब फ्यूचर, तो वी विल रेन। अब ये नाइन सेंटेंस में जो है वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ कि क्या आएगा, वी स्टार्ट राइटिंग विल या शैल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आइदर यू कैन राइट विल और राइट शैल, दोनों ही सही हैं। टेंथ है डैश आई डैश फॉर मार्केट
शी कंपनीज में, वैन शी कंपनीज में। तो ये वैन से जब सेंटेंस जुड़ गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो है ये फ्यूचर टेंस है, तो इससे हो जाएगा विल लीव, क्योंकि वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इसलिए लीव का लीव ही रहेगा। और हमारा विल या शैल जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं आई के साथ। तो मैंने जैसे विल का यूज़ किया है, आप शैल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने सेंटेंस कुछ करे, तो थोड़ा सा अब आपको यहाँ तक तो अब तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरीके से अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से उसमें हमें वर्ब्स को यूज़ करना है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।